नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अरविंद चौरसिया। तो देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनावी चौपाल सजने लगी है, राजनीति की शतरंज में मोहरे फिट होने लगे हैं और नेताजी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में वक्त आ गया है कि 2014 में किए गए वादों का हिसाब किताब लिया जाए। दरअसल 2014 में चुनाव से पहले वोट की खातिर नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी थी और जनता ने भी उनके वादों पर एतबार कर माननीय को वोट देकर सांसद बनाया। अब करीब 4.5 साल बाद सांसद महोदय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताओं ने जिन वादों को लेकर जनता से वोट मांगे थे, उन वादों को वो कितना पूरा कर पाए हैं, अब खुद जनता जनार्दन ने माननीय सांसदों का वही खाता तैयार कर लिया है और इसी के आधार पर वो 2019 में मतदान भी करेंगे। तो चलिए आज आपको उत्तर प्रदेश के बदायूं संसदीय क्षेत्र लेकर चलते हैं और देखते हैं कि यहां के समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया है और यहां की जनता अपने सांसद के बारे में क्या राय रखती है। तो बदायूं लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उन चंद लोकसभा क्षेत्रों में शुमार है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। माना जाता है कि देश में लहर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन यहां की जनता तो बस समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा करती है। पिछले 2 दशकों में बदायूं के सभी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतती आई है और 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी बदायूं की जनता ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को जिताया था। अब 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है तो देखना है कि क्या बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं, क्या धर्मेंद्र यादव 2019 में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या समाजवादी पार्टी के किले में कोई दूसरी पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। दो हजार 2014 में मोदी लहर की वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की थी। प्रदेश की महज 7 सीट विपक्षी दलों के खाते में आई थी, उनमें से एक सीट है बदायूं लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर मोदी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और यादव खानदान के धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में जीत दर्ज कर इस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में फिर से डाल दिया था। मोदी लहर के बावजूद बदायूं की जनता ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को सिर आंखों पर बिठाया और धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 4,98,378 वोट मिले थे जो कुल मतों का 48.50% था, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार वागिस पाठक ने 3,32,031 वोट यानी 32.31% वोट हासिल किए थे। चुनाव में तीसरे नंबर पर बीएसपी के अकमल खान रहे जिन्हें महज 1,56,973 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। बदायूं सीट पर पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं सीट पर पहली बार 2009 में जीत दर्ज की थी। सलीम इकबाल शेरवानी का टिकट काट कर मुलायम सिंह यादव ने बदायूं से अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। 2009 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को 32,542 वोटों के अंतर से हरा दिया था। बदायूं लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें गुन्नौर, बदायूं सदर, बिलसी, सहसवान, बिसौली विधानसभा सीट शामिल है। 2014 के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ को बचा लिया, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं में सेंध लगाई, उससे समाजवादी पार्टी का किला खतरे में नजर आने लगा। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 में से 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने गुन्नौर, बदायूं सदर, बिलसी, बिसौली विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी एकमात्र सीट सहसवान पर ही कब्जा जमा पाई। ऐसे में सवाल तो यही है कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच क्या सांसद धर्मेंद्र यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में इतना विकास कार्य किया है कि जिसके दम पर वो जनता से तीसरी बार सांसद बनने की अपील कर सके? ये बड़ा सवाल है।
अब जबकि सांसद के कार्यकाल के 4.5 साल बीत गए हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, तो जनता अपने सांसद धर्मेंद्र यादव से उनके कामकाज का हिसाब मांग रही है, ताकि वो उसके आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुन सके। अब देखना है कि सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के गढ़ को बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बदायूं में काफी विकास किया है। बदायूं में मेडिकल कॉलेज, 4 लेन सड़क समेत कई कामों को धर्मेंद्र यादव अपनी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, सारे कामकाज आज भी अधूरे पड़े हैं। देखिए, ये दूसरी बार यहाँ से सांसद हैं और यदि आप दोनों कार्यकाल का इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बदायूं में कोई भी उचित विकास नहीं हुआ। मेरे हिसाब से एक सांसद को जिस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास का काम करना चाहिए, वो कहीं इनका पूरे क्षेत्र में आप देखिए, मैं तो बदायूं जनपद के अंदर और लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर जगह मेरा आना जाना रहता है, किसी गांव में कोई हमें एक सांसद नदी का कोई बड़ा काम या कहीं भी दिखाई नहीं देता है। देखिए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनवाया है, मेडिकल कॉलेज की एक केंद्र और राज्य सरकार की सम्मिलित पहल रहती है, इसमें 75% योगदान केंद्र सरकार का है, ये केंद्र सरकार के पैसे से ये बना है और वो कहते हैं हमने बनवाया तो उन्होंने अपनी सरकार में से पूरा क्यों नहीं कराया। आज कितना सारा, अभी 40 करोड़ रुपया हम रिलीज करा के लाए हैं मेडिकल कॉलेज का, बाईपास भी उन्होंने केवल पैसे के लिए आधा अधूरा बनवा के छोड़ दिया, अपने ठेकेदारों से गलत सलत काम करा के उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया। बाईपास का पैसा हम रिलीज करा के लाए हैं, बाईपास का जब उन्होंने प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया तो उसमें जो एक पुल पड़ता है बीच में सोत नदी का, उसका एस्टीमेट उसमें स्वीकृत नहीं है, उसका पैसा नहीं आया, उसके लिए पहल करके अपने माननीय हमने जो हमारे PWD के मिनिस्टर हैं उनसे बात करके अपना लेटर हेड लगा के सब विधायकों की संतुष्टि करा के उस पैसे को रिलीज कराने का काम हमने किया है। दूसरा, ये जो इधर का बाईपास ये छोड़ दिया था 4 लेन का काम, उस 4 लेन को हमने 2000 करोड़ रुपए में ये आगरा तक ये आपका जो नेशनल 4 लेन बनेगा बदायूं से आगरा तक, इसको हम 4 लेन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये वाला जो गुन्नौर वाला रोड है इसका चौड़ीकरण के नाम पे पैसा निकाल के उनके ठेकेदार बंदर बांट करके खा गए, लेकिन उसको भी हम लोगों ने 4 लेन बनाने का काम शुरू कर दिया, बहुत तेजी से काम चल रहा है, उस रोड को भी हम लोग 4 लेन कराने का काम कर रहे हैं, बाईपास को पूरा कराने का काम हम कर रहे हैं। आज बिजली को, उनके समय में BIP जिले रहते थे, आज 75 जिलों में समान मानक से बिजली दी जा रही है, बिजली की क्रांति ला दी है। तो हमारे विकास कार्यों क्या, उनकी नीति और नियत दोनों में अंतर है। अगर बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव के कामकाज के बारे में बदायूं की जनता क्या कहती है, आइए वो भी जानते हैं। नेताजी के हिसाब दीजिए कार्यक्रम में आज हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव लगातार 2 बार सांसद हैं, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जनता हमारे बीच में, जनता जनार्दन का फैसला सुनते हैं कि धर्मेंद्र यादव सांसद जी ने क्या काम कराए हैं। जी, सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या क्या काम कराए हैं यहाँ पर? वर्तमान सरकार को देखते हुए धर्मेंद्र यादव ने पूर्व की सरकार में, अपनी सरकार में बहुत उम्दा काम कराए, मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर, रोडें, तमाम ऐसे ऐसे काम कराए जो मैं समझ सकता हूं अब तक ना हुए हैं और ना ही आगे होने की उम्मीद है। जब से अभी कल का परिणाम ये घोषित कर रहा है कि अब तो और ज्यादा स्थिति भाजपा की बुरी हो चुकी है, हमने भाजपा को वोट दिया, हमने भाजपा को जिताया क्योंकि हम चाहते थे कि हिंदुत्व का मुद्दा आएगा, राम मंदिर बनेगा, कश्मीर का मुद्दा हल होगा, तमाम ऐसी चीजें होंगी जिससे जो है पूर्व की सरकार ने जो विकास किया वो धुल जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में इस टाइम बहुत स्थिति बुरी है। और भी जनता के लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं, सांसद जी ने अपनी सांसद निधि से क्या क्या कार्य कराए हैं। वर्तमान की सरकार के मुकाबले जो पूर्व में कार्य हुए हैं वो सब अधर में अटके हुए, अब पूरा कार्य जो है BJP करा रही है। रही धरातल की बातें, भगवान प्रभु राम का ही कहना है होगा वही जो राम रच रखा, मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा, समय आने पे BJP ही बनवाएगी और किसी सरकार में दम नहीं है जो कि मंदिर बनवा दे। यहाँ सांसद जी ने क्या कार्य करा? सांसद जी के जितने भी कार्य सब अधूरे पड़े हुए हैं, वो वर्तमान में BJP गवर्नमेंट करा रही है।
देखिए और भी जनता है हमारे साथ, यहाँ जानेंगे सांसद जी ने क्या क्या कार्य कराए हैं। जी सांसद जी ने कई सारी जो है कॉलेजों में उपलब्धियाँ जो करवाई, कॉलेज बनवाए, और भी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने से ही काफी सारा विकास का काम शुरू हो गया, आगे तक शहर बसना स्टार्ट हो गया है, हाईवे बनना है, उधर से फ्लाईओवर है, रोडें हैं 4 लाइन और ट्रेन है, मतलब बाईपास वगैरह सब, ये सब सांसद जी की ही देन है। भाजपा देखिए मतलब लोगों में दिख रहा है आगे, बल्कि हर अगला बंदा जो है भाजपा का ही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज का तो काम अधूरा पड़ा है, काम अधूरा पड़ा है, वो सरकार दुरुस्त है ना, सरकार को दुरुस्त करना चाहिए ना, सरकार नहीं कर पा रही है तो उसमें क्या करा जाए। अब सांसद जी के जितना हाथ में था उन्होंने कर दिया ना, और क्या कर सकते हैं वो। हाँ सांसद जी ने क्या क्या कार्य करे? सांसद जी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार दिया है, और हमारा रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया है उन्होंने, और मैं तो चाहूंगा सांसद जी से बढ़िया कोई नेता मिल नहीं सकता बदायूं शहर के लिए। आप बताइए कि सांसद जी ने क्या क्या कार्य कराए हैं? उन्होंने रोड वगैरह का काम कराया है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, और भी स्टेशन वगैरह का ये सब काम कराया है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे जनता ने जो बताया, यहाँ पर सांसद जी ने जो कार्य कराए हैं वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। सांसद निधि से भी कई कार्य हुए हैं लेकिन अभी भी अधूरे पड़े हैं। पंकज गुप्ता, APN न्यूज, बदायूं। ज्यादातर चुनावों में स्थानीय बनाम बाहरी बड़ा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन बदायूं की राजनीतिक धारा इसके विपरीत दिशा में बहती है। बदायूं के पिछले 3 दशकों के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहाँ पैराशूट उम्मीदवारों का ही बोलबाला रहा है। खुद यहाँ के वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव बाहरी हैं। आइए एक नजर डालते हैं बदायूं के राजनीतिक इतिहास पर। वैसे तो चुनावों में बाहरी उम्मीदवार के प्रति आमतौर पर नकारात्मक नजरिया दिखता है, लेकिन इस दस्तूर के बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र की जनता पिछले 3 दशकों से पैराशूट प्रत्याशी को ही तरजीह देती रही है। बदायूं के चुनावी इतिहास के पन्ने पलटने पर पता लगता है कि यहां की जनता ने साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी असरार अहमद के रूप में स्थानीय निवासी को अपना सांसद चुना था। उसके बाद से अब तक गुजरे 30 सालों में बाहरी प्रत्याशी ही यहां की आवाम की पहली पसंद बने हैं। 2014 के चुनाव में भी बदायूं के चुनावी मैदान में उतरने वाले समाजवादी पार्टी, BSP, BJP और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली में रहते थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बदायूं आए थे। बदायूं के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो बदायूं लोकसभा सीट पर साल 1952 से लेकर साल 1980 तक स्थानीय नेताओं का दबदबा रहा। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुने गए बदन सिंह स्थानीय उम्मीदवार थे। इसके बाद 1957 के चुनाव में भी बदायूं की जनता ने स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सहाय को अपना सांसद चुना था। वहीं 1962 और 1967 के लोकसभा चुनाव में भी जनसंघ के स्थानीय नेता ओमकार सिंह ने बदायूं सीट पर कब्जा जमाया था। 1971 में जब बदायूं में लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार भी यहां की जनता ने कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवार करण सिंह यादव को जिताया। 1977 का लोकसभा चुनाव ओमकार सिंह ने भारतीय लोक दल के टिकट पर लड़ा और एक बार फिर जनता ने उन्हें जीत दिलाई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद असरार अहमद आखिरी स्थानीय उम्मीदवार थे जिन्हें बदायूं की जनता ने सांसद चुना। जनता द्वारा स्थानीय नेताओं को नकारने की शुरुआत साल 1984 में हुई जब राजीव गांधी ने अपने दोस्त और इलाहाबाद के उद्योगपति सलीम इकबाल शेरवानी को बदायूं सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में सहानुभूति की लहर के चलते शेरवानी रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। साल 1989 में बदायूं की जनता ने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी को अपनाया और जनता दल के नेता और मधेपुरा के सांसद शरद यादव यहां से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे। साल 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में देश के में राम मंदिर की लहर के बीच बीजेपी के टिकट पर स्वामी चिन्यानंद ने चुनाव लड़ा और जीते। साल 1996 में सलीम शेरवानी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फिर शुरू हुआ यादव मुस्लिम गठजोड़ का नया समीकरण जिसे भेदना दूसरे दलों के लिए करीब 1 दशक तक नामुमकिन रहा। इसी समीकरण के बल पर शेरवानी साल 1996, 1998, 1999 और 2004 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे उमलायन सिंह यादव ने जब मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उस वक्त मैनपुरी से सांसद और यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को सलीम शेरवानी का टिकट काटकर बदायूं सीट पर उतारा गया। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बाहरी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को बदायूं की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया और उन्हें जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि इस दौरान स्थानीय नेताओं ने चुनाव मैदान में किस्मत नहीं आजमाई, लेकिन यहां की जनता का रुझान हमेशा बाहरी उम्मीदवारों की तरफ रहा।
अब देखना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट पर पिछले 30 सालों से चली आ रही भारी प्रत्याशी के सांसद बनने की परंपरा कायम रहती है या जनता इस बार कोई स्थानीय सांसद चुनकर इस परंपरा को तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हम आज बात कर रहे हैं बदायूं की, और बदायूं को लेकर जो बातें कही गई थी उसमें क्या कुछ पूरा हुआ, यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव कितना कुछ कर पाए हैं और उनको लेकर लोगों की क्या राय है, इसी पर आज हमारे ये पूरा बुलेटिन है। पिछले 30 सालों की अगर बात करें तो बदायूं में पैराशूट उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, लेकिन क्या वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव अपने काम के दम पर इस परंपरा को कायम रख पाएंगे या इस बार कोई स्थानीय उम्मीदवार जीत का परचम लहराएगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल जानते हैं कि बदायूं की जनता अपने सांसद के कामकाज के बारे में क्या राय रखती है। धर्मेंद्र यादव जी की सबसे जो कमी है हमारे सांसद की वो ये है कि क्षेत्र में बहुत कम समय वो देते हैं। अभी अखबार में परसों वो शायद यहाँ पे बदायूं में आए थे तो पेपर में निकला था कि धर्मेंद्र यादव बदायूं में, यानी हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे सांसद हमारे ही क्षेत्र के और अपने क्षेत्र में आते हैं तो लोग जो है इसकी ये भी एक खबर बन जाती है। इतना कम वो हमारे यहाँ रहते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी कमी है। कोई जनता का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपनी फरियाद लेके जाना चाहे तो उसके लिए सांसद जी अवेलेबल ही नहीं रहते वहाँ पर। दूसरी बात, इनकी जो सांसद निधि से काम हुए वो कहीं सर कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इनके जो काम करने वाले भी होते हैं वो मैनपुरी से और इटावा से आते हैं, जिनको ना यहाँ की जनता जानती है ना यहाँ के लोगों से उनको कोई सरोकार है। तो इसलिए वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उनके करे हुए काम, सड़कें जरा देर में उनकी टूट गई, अगर बनवाई भी कोई भी काम उन्होंने किया तो उसकी ना तो गुणवत्ता होती है और ना पता लगता है कहाँ पर उनका कोई काम हुआ है। वो अपने विकास कार्य गिनाना शुरू करते हैं तो दो तीन चीजें कहते हैं, एक मेडिकल कॉलेज, एक बदायूं का ओवरब्रिज, है ना। सड़कें बनाना आज के समय में कोई बड़ा काम नहीं है। मेडिकल कॉलेज का कहते हैं, मेडिकल कॉलेज की नींव उन्होंने रखवाई, उसका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेडिकल कॉलेज उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। 66 अभी हमारे माननीय विधायक महेश गुप्ता जी 60 करोड़ रुपया एक मेडिकल कॉलेज के लिए लाए हैं, 40 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त लाए हैं। कॉलेज जब तक पूर्ण नहीं होगा केवल ढांचा कॉलेज नहीं कहलाता है, उसमें ओपीडी महेश जी ने शुरू कराई, उसमें आज जो इमरजेंसी सेवा शुरू हुई है वो सारा काम महेश जी द्वारा किया गया, इस वर्तमान सरकार योगी जी की सरकार द्वारा किया गया है। वो बाईपास की बात करते हैं, बाईपास भी केवल एक टोकन बना के छोड़ दिया गया था, उसका सारा पैसा योगी सरकार ने दिया है और हमारे विधायक महेश गुप्ता का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। शहर के हालात देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वास्तविक में कोई उनका ऐसा कार्य हो जिससे ये लगे कि उन्होंने नगर का या अपने संसदीय क्षेत्र का विकास किया है। आज पूरे शहर की हालत ये है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, चाहे वो भूमिगत केबल के नाम पर हो या टेलीफोन्स के नाम पर हो, विकास कार्य जो भी किए गए हैं वो कागजों पर दिखते हैं, समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शहर में जो अव्यवस्था है, शहर का सारा मार्ग व्यवस्था, केबल व्यवस्था, पाइपलाइन व्यवस्था सब ध्वस्त है। कोई भी शहर का ऐसा टुकड़ा नहीं है जहां पर आरा ये कह सके कि यहां पर वास्तविक विकास हुआ है। विकास के नाम पर भले ही निधि कितनी भी खर्च की जाती हो लेकिन मुझे लगता है कि वो वास्तविक रूप में नहीं होता व्यय, और बहुत ही निम्न स्तर के जो कार्य होते भी हैं वो 8 दिन भी नहीं चल पाते। मैं तो देखता हूँ इधर सड़क पड़ती है उधर उखड़ना शुरू हो जाती है, पूरी बन नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सांसद जी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। ने बहुत कार्य कराया है, मेडिकल कॉलेज, ब्रज पुल और 4 लाइन, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन ये सब अधूरे पड़े हैं। अधूरे तो इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि जितना उनके सत्ता में जितना हो पाया उतना उन्होंने किया, अब सत्ता जाने के बाद में जो अधूरे पड़े हुए हैं वो सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सांसद निधि तो बराबर आ रही है, अब ये सरकार नहीं कर रही है तो सरकार क्या सांसद जी करेंगे? सांसद जी आ रही है लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से सारे जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं वो अधूरे के अधूरे ही है। तो पिछले 30 सालों से बदायूं में पैराशूट उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, लेकिन क्या वर्तमान शासन धर्मेंद्र यादव अपने काम के दम पर इस परंपरा को कायम रख पाएंगे, इस बार कोई स्थानीय उम्मीदवार जीत का परचम तो नहीं लहराएगा, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। बदायूं से लगभग
62 किलोमीटर दूर दिल्ली बदायूं हाईवे पर जरीफ नगर दुर्गपुर गांव है और इस गांव को समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 4 साल पहले गोद लिया था। सांसद धर्मेंद्र यादव ने जरीफ नगर दुर्गपुर गांव का कितना विकास किया है और जरीफ नगर की जनता अपने सांसद के काम काज से कितनी संतुष्ट है, ये जानने के लिए एपीएन की टीम जरीफ नगर आदर्श गांव पहुंची। सड़क के मामले में जरीफ नगर का आधा अधूरा विकास हुआ है। जरीफ नगर आदर्श गांव में मुख्य सड़कें तो ठीक है, लेकिन गांव की गलियों की कई सड़कें आज भी कच्ची हैं, जिससे गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खेलकूद ना बनो और सूर्य प्लांट ना बना, दूध का प्लांट ना बना और जो है का गो अस्पताल कह गए 50 को अस्पताल बनेगा, गो नहीं बना। बस अड्डा ना बना रोडवेज का, हमारे यहाँ को किए का बाद अड्डा बनेगा, अड्डा नहीं बना। बिजली का व्यवस्था नहीं है सही यहाँ, और बिजली का बिल बढ़ा दिया, वादे ज्यादा किए लोगों ने लेकिन काम नहीं हुआ है। हमें बहुत काम पड़े हैं, हमें विकास तो हुआ है पर क्या कहते हैं यहाँ के मतलब जो इतना होना चाहिए विकास वो कोई खास विकास नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो अभी नालियाँ हैं, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो भी मतलब यहाँ पर नालियाँ बहुत गंदी गंदी पड़ी हैं और लोगों के पानी भी घरों से मतलब सही तरह नालियों में पास नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इतने वक्त बाद ये समय है सही सही आकलन का कि जो कहा गया था और रियल ग्राउंड पर जो चीज़ें हुई हैं उसमें कितना अंतर है, और अगर कोई चीज़ें नहीं हुई हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। और यहाँ इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम और इसमें वो तमाम अलग अलग जो जगह हैं उसकी तफसील के साथ वो तमाम बातें आप तक पहुँचाते हैं। तो ये थी हकीकत, ये थी सच्चाई, अब शायद आपको निर्णय करने में आसानी होगी। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।